आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उस फील्ड में जाते हैं, आप उस फील्ड में फोकस करते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और उसके साथ साथ स्कोप तो इसमें बहुत सारे हैं ही और पैसे भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में उसी करियर ऑप्शन के बारे में बताऊँगा और उसकी सारी डिटेल आपको दूंगा कि आप कैसे उसमें अच्छा कर सकते हैं और कैसे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। गाइज अभी 2019 ख़त्म होने को है, लेकिन अगर आप उस फील्ड में जाते हैं तो आज से लेके अभी भी जो लोग उस फील्ड में काम करें बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करें, और आने वाले कई सालों तक आपको उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप और बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे कि सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही, जो पहली चीज़ें ऑफलाइन होती थी वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही, तो हमें समय के अकॉर्डिंग उसी तरफ बढ़ना चाहिए जिधर ज़्यादा स्कोप हो, जिधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हो आपके लिए। अगर आप उस फील्ड में जाते हैं तो आप मंथली कम से कम दोस्तों 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी एवरेज पर्सन कमा सकता है। 1-2 लाख रुपए एवरेज, अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल पे हैं, आपको थोड़ी उस चीज़ की अच्छी तरीके से समझ है, आप उसमें काफ़ी कुछ सीखे, तो आप समझिए कि आपकी सैलरी या फिर आपकी जो इनकम होगी बहुत ज़्यादा हो सकती है, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ आप अगर जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें अपनी खुद की कंपनी भी बना सकते हैं और फिर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि स्टार्टिंग में आपको उस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। गाइज मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। इंडिया में डिजिटली बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा और ग्रो होने की संभावना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है, चाहे किसी की बहुत बड़ी कंपनी हो या फिर किसी की छोटी सी शॉप, सब लोग डिजिटली होना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है, क्योंकि समय के अनुसार उनको डिजिटल होना पड़ेगा, नहीं तो उनका जो भी बिजनेस है, वो जो भी काम करे उसमें उनको नुकसान हो जाएगा। तो क्यों ना आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, तो क्यों ना आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जिसके बदले आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और आपकी इनकम बहुत अच्छी खासी हो सकती है। जैसे कि सभी लोग जान ही रहे हैं आजकल कुछ भी स्टार्ट हो रहा है, चाहे छोटी सी शॉप स्टार्ट हो या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस, सबके लिए मतलब कि डिजिटली प्रमोशन करना जरूरी है ताकि पब्लिक को अवेयरनेस हो सके उस चीज़ के बारे में और जिसके थ्रू उनका बिजनेस ग्रो कर सके। इसके लिए उन्हें एक डिजिटल मार्केटर की आवश्यकता होती है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप दोनों का काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। लेकिन एक चीज़, अगर आप इसमें सीखते हैं तो इसमें जो इनकम होगी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करती है, आपने कितनी चीज़ें सीखी हुई हैं। अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं, आपकी स्किल बहुत अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के कहीं पे जॉब कर सकते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद आपकी स्किल अच्छी खासी हो जाए, आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, उसके बाद दोस्तों आप खुद की कंपनी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग पहले कहीं जॉब करते हैं, उसके बाद खुद की कंपनी बना के दूसरों को हायर करके काम करवाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं, क्योंकि मेरे भाई आने वाला जो टाइम है डिजिटल का ही है, सारी चीज़ें डिजिटल होने वाली है, तो आपको उस चीज़ के साथ समय के अनुसार आपको भी चलना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। बहुत चीज़ आने वाले 10-20 साल तो खासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो है और बहुत ज़्यादा पैसा इस फील्ड में। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं होगी, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, सबका अपने अपने लेवल पे डिजिटल एक मार्केटर की ज़रूरत है, ताकि वो उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विस को प्रमोट कर सके और पब्लिक को अवेयर कर सके उनके सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में। हमने ये तो बात कर ली कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, पैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि आप इसे सीखेंगे कैसे। तो दोस्तों मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप उस तरीके से सीखिए, स्टार्टिंग कीजिए, और ये तरीका बिल्कुल फ्री है, आपको 1 भी रुपये लगाने की जरूरत नहीं, बस अगर आप अंदर से चाहेंगे तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग आप कीजिए यूट्यूब से, आप गूगल की हेल्प लीजिए, यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ सीख जाएंगे, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, जो भी आप सीखना चाहें सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, बस आप में सीखने की चाहत होनी चाहिए। तो दोस्तों आप यूट्यूब वीडियो देखिए, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए,
बनाए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट ने अपने वीडियो बनाए हैं, आप उनके वीडियोस देखिए, आप गूगल पे सर्च करके ब्लॉग्स पढ़िए, आपको लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप उस तरीके से सीख लेते हैं तो आप इतना तो ज़रूर सीख जाएंगे कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, और अगर आप अर्निंग करने लगते हैं तो आप एक एडवांस लेवल पर जाने के लिए कोई भी एक ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं, और उससे आप अपनी स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, और आप इस चीज़ में एक बार ज़रूर सोचिए कि आपका इसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हो तभी जाइएगा। सुन के मेरी बातों को या फिर किसी भी बातों को सुन के किसी भी करियर ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। आप सुन के अगर उस चीज़ में जाएंगे तो आप थोड़े दिन उसको करेंगे, उसके बाद आप बोर होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं, आप दूसरों की बातों में आकर उस फील्ड में आ रहे हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तब आप उस फील्ड में जाइए और अच्छे से कुछ दिन मेहनत कीजिए, उसके बाद बस सब चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा होने लगेगा। आप उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना है। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।